सब्सक्राइब करो साडा YouTube चैनल पंजाबी मेनिया ते अपने फोन ते नवीं वीडियोस देखने दे लई हिट करो बेल आइकन। सब तो पहला थैंक यू सो मच थोड़ा सारे का तुम वक्त कट के इतने आए एंड वेल मैं ये तो नहीं दस सकता कि अजय कि प्रेजेंट टाइम में जान गए कि नहीं बिकॉज दैट्स द स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट बट रेडुआ रिटर्न्स एक ऐसी फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री ने विच इज द ओनली साइंस फिक्शन बेस्ड फिल्म और टाइम ट्रेवल के उत्ते है जिदा कि रेडुआ वन से असी फ्यूचर के एंड किया रेडुआ वन 2255 2255 और सारी फिल्म भी उसे सीक्वल तो शुरू हो रही है जिथे वो एंड हुई सी। सो उस तो बाद सब तो वड्डा इहदे च फैक्टर है कि मैं बहुत वड्डे दो एराज नूं इहदे च दिखाण जा रहा जो कि एक चैलेंज भी है एज अ डायरेक्टर मेरे लिए एज अ राइटर बट प्रॉबली तुहाडा सारिआं दा साथ है एंड वी हैव गॉट अ ब्रिलियंट टीम विद अस ये चीज़ बहुत सोहनी निकल के आएगी और 2255 तो हमने 1000 साल पिछे 955 पहुँचने वाले हैं और एक अलग ही एरा ऑडियंस में सिनेमा के देखने मिलेगा। सब तो वड्डा इहदा एक फैक्टर जो है साडी स्टारकास्ट है ही है ऑफकोर्स असी चार जो कुकी भाजी मैं बीएम शर्मा जी सत्ती जी असी तो टाइम ट्रैवलर्स है ही हाँ इहदे नाल नाल माहिरा जो एक बहुत वड्डा फैक्टर एड ऑन कर रहे हैं जो कि एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बहुत ही अलग अवतार दिखेगी तुम्हें और इन्ह तो भी उत्ते द ग्रेट खली जो कि पहली बार पंजाबी सिनेमा दे विच आ रहे हैं और वो बहुत ही कमाल का रोल प्ले कर रहे हैं खली जिन्हों बच्चों को लेकर बड़े बहुत पसंद करते हैं और करेंगे भी एंड आई जस्ट वांट टू से दैट रेडुआ रिटर्न पहली ऐसी फिल्म है जो इंटायरली CGI उत्ते बन रही है VFX उत्ते। इस फिल्म के जिदा का VFX किया जा रहा है वो पंजाबी सिनेमा या मैं कहना बॉलीवुड या शायद साउथ इंडस्ट्री के लेवल पर है। सो असी बजट को थोड़ा साइड रख के एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को। यही सोच मेरी ते अनिल जी की भी है अनिल शर्मा जी जो नाल प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो एक IT इंडस्ट्री तो ने और जब असी ये फिल्म इकट्ठे प्लान की सीक्वल तो सब तो पहली गल यही आई सी कि टेक्निकैलिटी को पंजाबी इंडस्ट्री के सब तो उत्ते लेके आया जाए। सो ये फिल्म जो सारिया खूबियां ने एंड आई होप यू ऑल गोना लाइक इट। बड़ी देर पिछले मिलने का कॉलेज तो बाद थोड़ा जो हम खोजा है तो रात का जरा बनना शुरू हो बड़ा चंगा लगता है कि दोबारा तो नॉर्मल लाइफ के बीच से आए हैं। रेडुआ टेलीविजन के ऊपर बहुत दिखाई गई फिल्म है तो मैंने याद है कि मैं लंदन कनाडा तो कॉलेज के बीच फोन किया मेरी फ्रेंड ने उसे लॉयर बनी तो उन्हों का बेटा मैंने कहता सी कि मैं ना अपने घर के लागे एक जगह देखी एक साल पहला की गल है लगे कि देखो बच्चे जड़े ने बच्चों ने बहुत ज्यादा बड़िया ने भी कनेक्ट किया बट वो पहली टाइम ट्रैवल फिल्म सी और अपने आप के विच बच्चों ने बहुत ज्यादा पंजाबी फिल्मों के विच बहुत घट हो गई चीज़ा ने जिदे नाल बच्चे जड़े ने कनेक्ट करते हैं। सो इहदे विच जिहड़ा है वो जिस तरह मैम उन्होंने तुहानूं दस्सिया कि बड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री के लिए और मेरे लिए मैं सिनेमा बहुत घट किया है लेकिन दोबारा तो असीं सारे इकट्ठे हुए हैं। सो मेरे लिए तो जी के नाल बीएम शर्मा जी के नाल आपके नाल बहुत खुश
सो वी हैव बीन शर्मा जी विद अस सर वैसे तो ना मैं हमने सवाल कुछ कुछ थाकी हैं तो इस बंद विच की वक्त आया मतलब हर हफ्ते तो एक नवी फिल्म की अनाउंसमेंट हो रही है हर फिल्म विच तुसी इतने बकरे बकरे किरदारों दे विच नजर आ रहे हो अपने फैंस को हर वीक एंटरटेन कर रहे हो सो रेट वन रिटर्न्स की गल करिए तो इस दे विच एक फ्यूचर वाली कहानी देखने को मिल रही है सो पीरियोडिक ड्रामा फिल्मों दे विच असीं तुहानूं बहुत बार देखिया लेकिन ये फ्यूचर वाली कहानी की गल करिए तो इस दे विच सानूं किस तरह का किरदार देखने को मिलेगा आए थोड़ा असी बहुत धन्यवादी हैं देखो गल इस तरह है कि मैं तो कला एक अपना रोल करता है पर एक ये जिहड़े साडे डायरेक्टर साहब है राइटर है हीरो है ये मतलब एमए डिपार्टमेंट सामते हैं तो इन्होंने देख के थोड़ा जहा अपने मन के विच ये आता है कि इंस्पायर हो जाए कि यार जदों एनए डिपार्टमेंट एक कला सामता है और फिर भी सेट के उत्ते बिल्कुल फैमिली वर्गा एटमोसफियर बना के रखते हैं तो असी भी इस तरह थोड़ा होर अपने अंदर इस तरह की क्वालिटीज को असी पैदा करिए बाकी रही जी रोल करन दी मैं तो जे मेरे नाल फिल्म दे विच घोगी जी होण तां मैनूं कुछ करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी क्योंकि ये एडा भारा हवाई जहाज है कि एक कल्ले मैनूं नहीं सारी टीम नूं लै के उड़ सकता है और रही बाकी गल जिहड़ी इस फिल्म दी और जदों पहला रेडवा कीती सीगी उदों लोगों ने ऑडियंस ने बहुत इंजॉय किया खास करके बच्चों ने रियली बहुत इंजॉय की ये फिल्म और मैं लगता है कि फिल्म मेकिंग का मकसद ये होना चाहिए कि थोड़ा बहुत असी समाज को अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ दे के जाइए कुछ एजुकेट कर सकिए ते जे खाली चुटकलेबाजी के उत्ते ही पूरी फिल्म आ जाए और कोई मैसेज ना होए तां भी कोई फिल्म का फायदा नहीं है इस तरह हुणे जिहड़ी है टू बन रही है इहदे बारे मैनूं ज़्यादा नॉलेज नहीं है बस ये पता है कि टाइम ट्रैवल फिल्म है तो डेफिनेटली असीं किसी होर जगह च पर खासियत गल ये है कि आपां जिहड़ी चीज़ नूं हले देखिया नहीं इमेजिन करना है तो बहुत दूर की गल है उस चीज़ों असी अपनी ऑडियंस में दिखावे कि हज़ार साल बाद चंडीगढ़ की कही जी सूरत होएगी लोगों का बिहेवियर एक दूजे न रिलेशनशिप ये किस तरह का होएगा ये सारी चीज़ों इन्होंने मद्देनज़र रखे है और फिर जो उड़ाने चले जाते हैं फिर 1955 च चले जाते हैं तो अपने आप ही लोगों के वो कंपैरिजन आएगा कि पुराने लोग ठीक सीगे उस समय ठीक सीगा कि जिहड़े असी ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड होंदे जा रहे हैं प्रकृति तो नेचर तो दूर होंदे जा रहे हैं असी नेचर की बिल्कुल कदर नहीं कर रहे ताकि वो समय ठीक सी कि ये समय ठीक है इस तरह का लोगों को उत्ते असी छड़ांगे कि तुसी डिसाइड करो कि ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ फर्स्ट ऑफ ऑल तो गल यह होंगी है कि एक्टर वास्ते हमेशा हर चीज़ एक चैलेंज की होती है सो उस प्रोजेक्ट वास्ते थैंक यू सो मच जिहड़ा रिलीज़ होया बट आप इस प्रोजेक्ट बारे गल करांगे क्योंकि ये मेरे वास्ते एक रोल बहुत ही बड़ा चैलेंज है मेरे लिए क्योंकि ऑलरेडी रेडवा वन ने काफ़ी अच्छे हद तक सिक्सर मारे ने दैट्स द रीज़न कि आप रेडवा रिटर्न्स बना रहे हैं और सारी टीम रेडवा की ऑलरेडी कुलदीप भाजी शर्मा जी सती जी नाव एंड ऑफकोर्स अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वेरी रिस्पेक्टेड अनूप जी
जो ऑलवेज साड़ी बैकबोन रहते हैं हर प्रोजेक्ट के। सो बड़ी माण वाली गल है। और बाकी गल यह है कि इस कैरेक्टर बारे मैं अगर गल करा तो ये मेरा एक ग्रे शेड है, यानी कि आप फुल एक तो नैगेटिव शेड हों पर एक ग्रे शेड कारण है। और इस करके मैं अपनी हूँ दाढ़ी भी ग्रे की हुई, कमीज भी। सो एक मज़ेदार कैरेक्टर है जो एक 2255 के जो ये मैं मिलेंगे तो फिर मैं इन्हें सारी टीम में इंटरैक्ट होऊंगा। वैसे मैं ज़्यादा डिस्कलोज तो नहीं करना चाहता, लेकिन इन्ना जरूर कहूँगा कि मेरे वास्ते चैलेंज है, क्योंकि इन्होंने सारे आर्टिस्ट वाला ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं और मैं कर रहा हूँ। हाँ, जो रेडवा रिटर्न 3 होगी उदो फिर मैं कोई मेरे वास्ते चैलेंज नहीं होएगा कि उदो मैं ऑलरेडी इन्होंने आर्टिस्ट के नाल मिक्स हो जावगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, तुम मैं इस टीम के लाइक समझे और इस टीम न जोड़िया अपने प्रोडक्शन हाउस में जो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। भाई एक गल होंगी, जो अभी सारे एक प्यार भरी सत श्रीकाल बुलाने तोड़े वालों एक हंगारा आ जाए तो अच्छी गल है। कल आप ही सत श्रीकाल कह रहे हैं। सत श्रीकाल जी सारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾ ਸਗਨਾ ਲਈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪਾਣੀ ਚ ਮਦਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। जो रिक्वायरमेंट होंगी है करैक्टर की उ करना चाहिए। और मैं इस फिल्म के सब तो वाला थ्रिल मेरे वास्ते की है, जो अभी पिछली भी की रेडियो रेडुआ जी पहली फिल्म थी साड़ी सीक्वल है, जी चीज़ मैं सब तो बेस्ट लगती है। फिल्म असं रोज करते हैं, साढ़े मीडिया वाले भी इस गल सहमत होंगे कि सिनेमा कितना कितने जाके स्टेल हो जाता है और होना शुरू हो गया सी पिछले, पर कुछ वरायटी आई सिनेमे दे विच, कोई जॉनर नवे ट्राई किए गए, उन्हां नाल सिनेमा दोबारा अपना रंग फड़िया। ये वक्री गल है कि कोविड ने सानूं दोबारा एक करी साडी ड्राउनिंग की, बट द बेस्ट थिंग कि जदों अलग अलग जॉनर ट्राई हो रहे सी सिनेमा दे, सिनेमा स्टेल होण तों बचाया जा रहा सी, उदों नव एक फ्रैशनेस लैके आया सी साइंस फिक्शन, एक टाइम ट्रैवल दी फिल्म लेके आया सी रेडुआ। और ऑनेस्टली कई लोगों ने बड़ा अचंबा सी, कई लगा ये किवें बन सकती है, कई बन गई तो हजम नहीं हुई, उन्हें लगा भी ये किवें बनाती इन्होंने साइंस फिक्शन। वो फिर छोटे छोटे नुक्स भी कटे टैक्निकली, उन्होंने यह नहीं पता कि असी बॉलीवुड के या हॉलीवुड के कह लिए हजारा करोड़ों के बजट के नाल असी अपने 5-7 करोड़ में टक्कर लै रहे हैं। उन्हों को तोपा ने रॉकेट लॉन्चर ने, असी गलेल नाल खेडते पे हैं, फिर भी देखो पंजाबी एक नवी चीज़ की। सो मैनू सब तो ज्यादा चंगा नव नाल काम करके की लगता है कि यंग मेकर है, एक बहुत यूथफुल थॉट के नाल काम करन आया और टाइम टू टाइम मैच्योरिटी गेन की है, जिन्ना अज मैच्योर है 4 साल पहले उन्ना नहीं सी माइंड ना करी। सो मैच्योरिटी जिहड़ी सिनेमे चो अपने काम चो अपने कसब चो बंदा लैंदा ना, वो किसी किताब चो नहीं मिलती, वो किसी आर्टिकल नू पढ़ के नहीं कदे मिलती, तुहानू किसी इंस्टीट्यूट च जाके नहीं मिलती। सो असी ब्लैसड हाँ कि साडे कोल यंग मेकरस आए जिहड़े टाइम टू टाइम अपने आप नू ग्रूम कर रहे ने। और द बेस्ट थिंग आई लाइक and now he always thinks out of the box, so cinema out of the box sochan da naam hai. Cinema naam oh nahi hai ki paise banaun di machine hai ki inne paise la le inne bana le, oh tusi businessman acche ho sakde ho, acche maker nahi ho sakde. Tusi ghar nu apne bank account nu contribute kar rahe ho, cinema nu contribute nahi kar rahe, theater nu entertainment nu audience nu public nu contribute nahi kar rahe. सो इस गल च मैं नव उन्हां दी तारीफ करदा कि सिनेमे नूं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे, ऑडियंस नूं नवा सिनेमा दे रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन है। घर तक कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही होंदा, ब्रैड एंड बटर साडी सारिआं दी प्रॉब्लम है, पर तुसीं पैसा भी बनाओ पर उहदे नाल अच्छी फिल्म भी बनाओ, दैट इज
मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं ये मज़ा इस गल का आना कि असी रेडुआ वन में बहुत इंजॉय किया जड़िया कितने थोड़ी बहुत कमियां रह गई सी बजट करके एनकी प्रोड्यूसर्स इन्हों के नाल जो जुड़े ने वो बड़े वधिया जुड़े ने और उन्होंने कहा कि अच्छा काम करो खुल के काम करो आपां पंजाबी दे विच एक मिसाल ही और फिल्म बनाउणी है लोकी देख के ना कहण कि पंजाबी किसे कोलों घट नहीं। सो दैट वॉज द ओनली थिंग वेयर वी वर लैकिंग वो साडा जिहड़ा वी जिहड़ा घाटा सी पूरा हो गया। तो मैं 100% अपनी दिली दुआवां भी देना और गारंटी भी देना कि आप सारे हार्ड वर्क करांगे और असीं बहुत अच्छी फिल्म डिलीवर करांगे ऑडियंस दा ऑल द वेरी बेस्ट। और सतिंदर जी मैं बड़ी खुशी है कि असल में साड़ी आर्टिस्ट साथण है साड़ी एडी इंटलैक्चुअल है ना साड़ा ये एसेट है साड़ा पंजाब का और ये अपने आप में इन्होंने सिनेमे नालों अलग करके एंकरिंग या कुछ अपने शोज तक मैं महदूद कर लिया सी ते इन्हां दा सिनेमे च वापस आना साड़ी लास्ट फिल्म दे विच ये बड़ा चंगा लगा सी और हुण फिर बहुत मज़ा आएगा। और बी एन जी ने कहा सी कि ये जहाज़ है तो वाकई मैं मानता जी मैं जहाज़ हाँ पर जहाज जब तक इदा एक बड़ा सारा पायलट ना ना हो हैंगर च ही खड़ा रहता जहाज तो असं हैंगर च खड़े जहाज हाँ पायलट साहब ये ऐसे जहाज न चला ने जी ये तो इशारा करते हैं इन्होंने रिमोट कंट्रोल के जहाज उठते हैं बी एन साहब यू आर द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री नाउ। सो मैं बड़ा अनूप जी का भी धन्यवाद दी कि देखो है ना ये भी बड़े साल तो साड़ी इंडस्ट्री में जुड़े ने इन्होंने कई आर्टिस्ट सिंगरस प्रमोट किए ने नाल सिनेमे नूं प्रमोट कर रहे हैं लाइव इवेंट्स का कल्चर पैदा किया इन्होंने पंजाब के। सो जो इदा की डायनामिक टीम जुड़ जाती है और मेरे वीर कहते ग्रे शेड जन कहते दाढ़ी भी ग्रे कमीज भी ग्रे मैं क्या जिन्ना क नज़र आ रहा है उन्ना क तो ग्रे ही ग्रे है। तो अगों हम इन परफॉर्मेंस बारे तो कोई कहने की लड़ नहीं जी क्योंकि द मोस्ट सीजनड आर्टिस्ट और अपने आप से इन्ना काम करते हैं फिटनेस से किन्ना ध्यान देंगे। सो मैं लगता है कि वी आर गोना मेक अ गुड टीम फॉर रेडुआ टर्म्स। थैंक यू सो वेरी मच। सो अनुप कुमार जी इल्यूमिनाटी जिन्होंने इस फिल्म नूं अपना म्यूजिक भी दिता है असी प्रेजेंट टाइम दे म्यूजिक सुन चुके हैं पास्ट म्यूजिक सुन चुके हैं फ्यूचर च म्यूजिक किस तरह दा होएगा सारी मीडिया दा सब तो पहला बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थोड़े करके असी ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਮੈਮ ਪਰਮਵੀਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਤਬ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਮਨੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਹੈ ਔਰ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ आज मैं गाऊंगा नहीं सो म्यूजिक सबको पसंद आने वाला है और नवने जी ने मेहनत की थी उस फिल्म में नो डाउट जिन्ना लोगों ने इन पिछली बार प्यार दिता है मैंने लगता है इस बार उस तो भी बढ़ के प्यार देंगे बहुत बहुत मुबारक नव जी सारी टीम ने मेरी दिलों मुबारक और बहुत वधिया प्रोडक्ट बन के सामने आए मिस्टर अनिल जी की इन्नी तारीफा हो रही है तो उन्होंने मैं मंच से बुलाना चाहूँगी अलग लाइफ के नाल टू प्रेजेंट अ बुके टू आर स्टार कास्ट तो इस नाल ही लुक में जिहड़ा असीं अनवील करना चाहवांगे मिस्टर अनिल शर्मा के अनुपमा मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज the producers of the film
The leading lady of the film, Ayra Sharma, will be joining us very shortly. Again, so media काफी इंतजार कर रही है, कह रही हूँ finally खोल दो, review कर दो, किस तरह का look, किस तरह का poster. So here we go, everybody, please put your hands together for the regular returns, the very first new poster of the film. And here we go. So as we can see, the poster is looking very promising. The scientific angle, the technical angle, and also the building in the center, I know काफी ज़्यादा promising लग रहा है. फिलहाल मैं लगता है कि अस इंतजार कर रहे थे एक्टर्स की लुक अनवील करने का, लेकिन जी उस दिन लेकिन सानू थोड़ा जा इंतजार करना पड़ेगा. Okay, so here we go. The big poster of the big film, Redwall Returns. Tuning in soon. देखो फिल्म इतनी ज़्यादा तमाकेदार है कि स्टेज पहले ही हिलना शुरू हो गया है. इतनी तमाकेदार फिल्म है कि स्टेज पे पता लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. सो साड़ी पूरी स्टार कास्ट अपने फोन में नवे पोस्टर के नाल थोड़े सामने मौजूद है. सो आई गेस एक पोस्टर से पढ़ लेने फॉर अ सिंगल पिक्चर, एक पोस्टर सेंटर के विच फॉर अ फुल फ्रेम पिक्चर. आई गेस दैट्स फाइन. अगे जिनी फ्यूचर है उन्नी ही पास्ट है, इट इज इक्वली डिवाइडेड दैट वे. और हर उम्र के मतलब बच्चों को लेके बुजुर्गों तक एंजॉय कर सकेंगे, उस तरह का स्क्रीन पे लिखा गया है. तो कितने लुक्स पे सबसे ज्यादा काम किया गया, कितने लुक्स बार-बार चेंज करने की कोशिश की गई है. वैसे पहले पार्ट है असी सारे ने प्लीज तुसी आर्टिस्टा ने मेनु क्या भी सी पर मेरी स्क्रिप्ट का एक वो सी असी इको कपड़े पा के शूट किया सी बल्ली दे मतलब ड्रेसा बहुत सी हो रही है बट साडा लुक एको ही सी बट इधर विच थोड़ा अलग है. सो वी हैव डिफरेंट चेंजेस. वेल मैं कहूंगा कि हर एक आर्टिस्ट के ऊपर बहुत काम हुआ है क्योंकि जो फ्यूचर के स्पेशली ड्रेसेस ने कॉस्ट्यूम्स ने साड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनप्रीत ने बहुत काम किया है, काफी ट्राई किए ने जी इन्होंने फाइनल क्योंकि जो स्टफ है वो सारा फॉरन तो आया है या बाहरों या मुंबई तो दिल्ली तो इतने कितने भी मिल नहीं सकता जो कॉस्ट्यूम्स ने. एंड पास के खली के उत्ते बहुत काम हुआ है द ग्रेट खली से क्योंकि जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं वो आप ही 7.5 फुट के उन्होंने जुत्ता नहीं मिलता. सो एक एक चीज से बहुत काम हुआ है जी. एग्जैक्टली. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंट द बुकिंग टू आवर स्टार कास्ट. सो कैन यू होल्ड द बुकिंग प्लीज. कैन यू हैव जस्ट माइक टू सर बिकॉज़ ही यस सारे आए कोर्स सी द फर्स्ट लुक ऑफ द पोस्टर एंड द टीम रिव्यूअर टू रिटर्न्स वीडियो रिटर्न्स आई नो द वाज वेटिंग एज वेल एज रिव्यूअर टू और रिव्यूअर रिटर्न फाइनली पिक द रिव्यूअर रिटर्न. मैं ऑफ कोर्स द रेडियो बार द साईफाई रेडियो टू फर्दर टेक्नोलॉजी टू That's how I get involved in the when you give me the idea. I own a technology company and to wanted to do something Punjab technology then all entertain promote and like the core important change which them said VFX this movie will be based on that. Of course see Sara ne tak VFX Bahubali dekhi hai
so why not that, something like that in Punjab. So that was the idea. Mostly Saudi movies dekhte hain VFX pe, so this is going to be the first movie in Punjab about the VFX. Okay, so finally here we have the leading actress of our film, Myra Sharma, with us. Okay, everybody, please put your hands together for the leading actress of our film, the very beautiful, very charming Myra Sharma. It's so good. So everybody was waiting for you, of course. Sorry, I guess इन्हें प्यार ना सच्ची का बुला दो तो ज़्यादा better रहेगा. That's great. So finally in the Punjabi film industry, Myra. So how's the excitement and exactly why did you sign the Wait for Returns? मतलब princess बनना सिखा इसलिए? Of course Punjabi industry, I love Punjabi industry. मैं पहले तो काम कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा you know playing music थोड़ा सा काम करते हैं. It's okay. Yeah sure. ठीक है. वो क्या होते हैं ना कि अल्फाज जब आपके हिंदी में होते हैं जिस लैंग्वेज में आप बोलते हो तो वो जो ईजी पड़े वो कहनी चाहिए. तो अभी सीख रही हूँ पंजाबी, तो उसके लिए क्षमा आया अगर कोई गलत बोल. सो रेडुआ, ऑफकोर्स ये रेडुआ मैंने फिल्म देखी है पहली जो वन थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी. सो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो टाइम ट्रेवल पे है. ऑफकोर्स सबको देखा था, इन सबको देखा था. वो फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मुझे पता ही नहीं था कि इसके पार्ट टू में मैं होंगी. आई एम फीलिंग लकी एंड हैप्पी. Okay, that's great. So, Nir Bajwari film, of course, to see lead kar rahe ho, not as an actor, director, producer, writer, everything. So, talking about the Myra's character, so kis tarah Myra on board aayi, and of course, Myra is not a Punjabi film industry. So, another is industry ki vich vekhan liye fans bahut lambe samay to intezar kar rahe hain. So, una fans ka intezar tusi khatam karwa le ho. So, kis tarah sari cheezan work out hui hain? So, main माहिरा नू आज नहीं, मैं टेलीविजन जो एक करते सी मैं उदों ही देखिया सी. एंड इट इज बिफोर बिग बॉस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच शी हैज डन. एंड मैं उतों देख के नोटिस किया सी मैं कि शी कैन, शी इज अ पंजाबी फेस. दैट्स द फर्स्ट थिंग केम इनटू द माइंड. और फिल्मा बनी गया बट सबक जो बनना होंगे ना, लाइक शी वॉज हेयर एंड शी इज लाइक आई हैव सीन रेडुआ. मैंने चलो मैं गल की तो मैंने लगे यार दिस इज, और वैसे भी शी लुक्स प्रिंसेस. Exactly. I mean, so मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगे वो कैरेक्टर दे विच ना वो देखा नहीं चाहिए डायरेक्टर एज अ मेकर एंड दैट्स हाउ शी इज देयर. ओके सो द लाइन यू नो द इंस्टाग्राम लाइन, सॉरी डिज्नी यू डोंट हैव दिस प्रिंसेस इज नाउ कमिंग टू दिस, सॉरी रेडुआ रिटर्न्स, नाउ यू हैव दिस प्रिंसेस. सो शी इज द फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री. Yeah, still, लेकिन जो आप कोई फिल्म साइन करते हैं स्पेशली अगर वो ना फिल्म के बीच गुरप्रीत कुकी सर वर्गे या शर्मा सर वर्गे या ना वर्गे एक्टर हो, ये तो वो हो गया ना सोने पे सुहागा. ये मेरे लिए लकी बात है. मैं एक को नहीं कह सकती कि ये है ये सारे अपने आप में महान हस्ती है. सो आई कांट टेक वन से ऑल आर लाइक आई एम लकी, आई एम हैप्पी. Okay, that's great. So, अपने फैंस को क्या कहना चाहूंगी जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वेयर इज मायरा. सो व्हाट्स द आंसर? Yeah, of course, अपने fans, पंजाबी industry के जितने भी तारे fans हैं. मतलब मैं wait कर रही थी because लोग कहने लगते थे कि like माहिरा expression दे दिया, गाने कर दिया, but I don't know, एक perform कर सकती है नहीं, पंजाबी बोल सकती है नहीं, नहीं मैं कह के नहीं दस सकती कि मैं बड़ी बढ़िया actor हूँ. इसे देखोगे तो आप भी पता लगूंगा, इसे मेरे प्यार दोगे, मेरी acting नाम नहीं, मेरी पंजाबी. Okay, that's great. So I think we should move forward and to present the beginning to our star cast. And is the Nani Appa is the bar one on one start kar diya, right? Okay, so can we have the bouquet, please?
So I would like to request our producers, Anupama ma'am and Anil Sharma ma'am, sir, to present the bouquet to our star cast. So once again, congratulations to the whole team for the new project Radio and Returns. Okay, the very last question, kadon tak samay film dekhan mil sakti hai? ये कुछ एक्चुअली ऐसी फिल्म है जो प्री विजुअलाइजेशन पे बहुत बेस्ड है. सो यूजुअली फिल्म बनाने चार्ट तो 9 महीने लग रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पर ये फिल्म कैसे ऑलरेडी 6 महीने तो काम कर रही थी क्योंकि ये सेट्स ने जड़े सीजीआई वीएफएक्स बने ने सारे. सो दे आर ऑल सेट ऑलरेडी, वी जस्ट नीड टू शूट द फिल्म एंड द पोस्ट प्रोडक्शन नीड टू बी डन. सो मेरी कोशिश है कि 2022 में ये रिलीज करा इफ एवरीथिंग गोस वेल. दैट्स ग्रेट. ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड फॉर द वन एंड ओनली राउंड. Answered? Okay, thank you so much. And once again, congratulations to the whole team.